तो हाँ दोस्तों, हमने इसके जो डैमेज पार्ट्स हुए थे उसे हमने मार्केट से नया मंगवाया। ये रिवर्स गियर शाफ्ट को चेंज करना था तो इसे भी हमने नया मंगवाया, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस का कोई जगह नहीं बचा था तो इसलिए इसे नया ही चेंज करना अच्छा समझा। और दूसरा इसका बूस, ये गियर बूस, तो इसका गियर बूस अलग से मार्केट में अवेलेबल नहीं था, नहीं मिल पाया। और इसके ऐसे गियर के सारे तीत भी ठीक हैं, इसमें गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये बाहर का भी सारे तीत बचे हुए थे, बिल्कुल फ्रेश थे, और ये अंदर का भी तीत सारे ठीक थे। तो ऐसे इसमें हमें केवल बूस ही चेंज करना था, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होने के कारण से हमने इसका बूस बनवाना चाहा। हमने किसान भाई को सलाह दिया कि लेथ के ऊपर इसका नया बूस ये पिन के साइज के हिसाब से लगा देंगे बनाकर, लेकिन हमारे किसान भाई का सलाह था कि ट्रैक्टर बिल्कुल नया है और अगर हम इसमें बूस बनाकर डालते हैं तो कहीं फिर से ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसके लिए उन्होंने ट्रैक्टर को देखते हुए, क्योंकि ये बिल्कुल नया ट्रैक्टर था और ये छोटी सी लापरवाही के कारण, इसमें गियर वायल ना होने के कारण इसका रिवर्स गियर सीज हुआ था, और नया ट्रैक्टर में ऐसे भी गियर का खुल जाना एक डर सा हो जाता है, जो कि ये हमारे किसान भाई अपने नए ट्रैक्टर को देखते हुए उन्होंने सलाह दिया कि हम बाहर का मार्केट का उसका गियर का बूस बनवा कर नहीं लगाएंगे, इस पूरे गियर को ही उन्होंने नया चेंज करना समझदारी समझा। तो उन्होंने ये बूस नहीं मिलने के कारण ये पूरे सेट को, गियर सेट को ही खरीद लिया। तो अभी हम इसके सारे पार्ट्स को दिखाएंगे, जो जो नया पार्ट्स आया है। और ये दूसरा वाला रिवर्स गियर है, और इसका जो निडिल बैरिंग है ये तो बिल्कुल फ्रेश था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इसमें भी नहीं था, इसके गियर के सारे तीत भी ठीक थे, कहीं से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था। अभी ये गियर चलने वाला था तो इसका हम बूस भी चेंज कर सकते हैं बनाकर, इसका बूस भी, इसमें खर्चा कम आएगा किसान भाई को, और ये सॉफ्ट को तो चेंज ही कर देंगे। तो अभी हम उस पार्ट्स को दिखाएंगे, जो जो पार्ट्स नया हमने मंगवाया है। तो ये इसका लॉक है, तो अभी हम सारे पार्ट्स को एक एक करके निकाल कर और दिखाएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हमें चेंज करना है। तो ये रिवर्स गियर है इसके अंदर, और इसका पार्ट नंबर है, देख सकते हैं, 9365-9161। और इसका प्राइस है 2158 रुपये, 2158 रुपये, जो कि इसमें पूरे गियर के साथ बूस भी लगे हुए हैं। तो ये जैसा कि देख सकते हैं, इसके साथ ये बूस लगा हुआ आता है कंपनी से। तो अगर हम इसका बूस चेंज करते तो इसमें कम लागत का खर्चा आता किसान भाई का, लेकिन इनका सलाह था कि हमारा ट्रैक्टर नया है तो हम इसे नया ही टोटल चेंज कर देंगे, मार्केट का बना हुआ बूस हम यूज नहीं करेंगे इस ट्रैक्टर में, क्योंकि ये ट्रैक्टर नया है। तो ठीक है, तो ये गियर को चेंज करना है, और ये पुराने वाले देख सकते हैं गियर, इसका बूस का हालत क्या है, ये बुरी तरह से डैमेज था। और ये नया वाला, इसमें आयल का गैलरी भी बना होता है। और दूसरा ये जो रिवर्स गियर शाफ्ट है, तो इसे तो नया ही चेंज करना था। तो इसका देख सकते हैं पार्ट नंबर 9365-2580, और इसका प्राइस है 850 रुपया, तो 850 रुपया, और ये गियर का 2158 रुपया, यानी 3000 के आसपास इसका खर्चा आया। 850 रुपया इसका प्राइस है। और इसमें जो एक लॉक आता है, और लॉक को भी हमने नया मंगाया,
ये देख सकते हैं इसका प्राइस है 12 रुपीज। तो ये सारे पार्ट्स को हमने नया मंगा लिया है और अब हमें इसे एक एक करके सेट करना है। तो अभी हम इसके गियर हाउसिंग में रिवर्स गियर को सेट करने से पहले इसके सेटिंग का एक सिस्टम हम बाहर में ही दिखाना चाहते हैं ताकि इसका नॉलेज अच्छे से पता चल सके कि किस तरह से इसका सही सेटिंग किया जाता है, क्योंकि जब हम इसको हाउसिंग के अंदर में सेट करेंगे इसके गियर को तो वो इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता है कब गियर लगाना है, कब इसका स्पेशल वाशर, कब लॉक या कब स्पेशल पिन या लॉक लगाना है, कौन सा पार्ट्स कब लगाना है। तो गियर के हाउसिंग के अंदर में अच्छे से इसका सेटिंग नहीं दिखाई दे सकता है, तो इसके कारण से हम बाहर में एक बार इसे सेट कर लेंगे। और ये जो हमने गियर को नया मंगवाया इसमें ऑयल डाल लेंगे इसके बूस के ऊपर। तो हमने ये ऑयल को लगा लिया और इस गियर को ऐसे सीधा लगाना है। और ये इसमें देख सकते हैं एक जो हमने लॉक मंगाया है वो लॉक इस तरह से इसमें बैठाना होगा जब हम हाउसिंग के ऊपर लगाएंगे इसे सेट करेंगे। जैसा कि ये पुराने वाले सॉफ्ट में देख सकते हैं इस तरह का ये लॉक होता है जो कि ये टॉप में ऊपर की तरफ रखकर हाउसिंग में सेट किया जाता है। तो ये हम जब इसे गियर के हाउसिंग में सेट करेंगे तब उस समय हम इसका सेटिंग देखेंगे, लेकिन अभी हम इसके गियर और स्पेसर और लॉक का सेटिंग एक बार देख लेंगे कि ये किस तरह से सेट किया जाता है। तो ये गियर को हम इस तरह से लगाएंगे, ये बिल्कुल देखिए इस तरह से फ्री है, कितना फ्री मोमेंट हो रहा है। तो इस तरह से इसे लगा लेंगे, उसके बाद से ये क्लिप लॉक है जो कि ये घाट में इसका एक गैलरी बना होता है तो इसमें लगाना होता है लॉक को, तो इसे भी हम लगा लेंगे आराम से। तो इसे हम इस तरह से लॉक को उसके गैलरी में बैठा लेंगे, ये अंदर में जब हम हाउसिंग को सेट करेंगे उस समय इस तरह से लॉक को बैठा लेना है पूरी तरह से, और ये अपने गैलरी में बहुत ही आसानी से बैठ जाता है। और उसके बाद एक स्पेसर को लगाएंगे जो कि ये देख सकते हैं ये स्पेसर है, इसे इस तरह से या किसी तरह से भी इसे हम लगा सकते हैं घुमाकर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से हम इसे लगा लेंगे इस सॉफ्ट के ऊपर। और यहाँ पे एक होल है जो कि इसमें लॉक सेट होता है, और ये दोनों ये पीछे का जो हमने अभी लॉक दिखाया है ये लॉक और ये आगे का जो लॉक होता है गियर का ये दोनों सेंटर में आमने सामने होता है। तो इस तरह से जब हम हाउसिंग में लगाएंगे इस शाफ्ट को तो ये टॉप करके लगाएंगे तो ये भी इसका सेंटर टॉप ही रहेगा। तो इस तरह से इसके बाद में हम ये दूसरे वाले गियर को लगाएंगे जो कि इसके ऊपर भी हमें ऑयल को देना होगा, ये बैरिंग नीडल बैरिंग लगा होता है तो इसके ऊपर भी हम इस तरह से ऑयल को पूरी तरह से इस तरह से लुब्रिकेट कर लेंगे बैरिंग को। और उसके बाद इसे इस तरह से लगाना है, इसके छोटे खाँचे जो तीत बने होते हैं इसी पे इसका ये तीत इसका तीत कॉन्टेक्ट होता है आगे की तरफ शिफ्ट होकर और रिवर्स गियर काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये गियर को भी हम लगाएंगे। देख सकते हैं कितना आसानी से ये चला जाता है, बिल्कुल फ्री है। तो इसी तरह से ये यहाँ इस जगह पे ये लॉक हो जाता है, यहाँ तक इसका एरिया है इस गियर का, एक ही जगह पे शिफ्ट रहता है और बाकी का ये जो गियर है आगे पीछे स्लाइड होकर और इसके ऊपर आता है और रिवर्स गियर काम करना शुरू कर देता है। और जब इसके बाद ये पीछे की तरफ आता है तो रिवर्स गियर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। और इसके बाद ये स्पेसर है जो कि इसका हॉल को इस हॉल से मैच करना होता है, तो इस तरह से इसे भी सेट कर लेंगे। और उसके बाद ये उसका लॉक होता है जो कि एक तरफ से इसमें घाट बना होता है और एक तरफ से ये प्लेन होता है, तो इस तरह से हम इसे सेंटर करके और शाफ्ट को लॉक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं
इस तरह से इसे बैठा लेना है। अब ये गियर इस तरह से लॉक हो चुका है, पिछला साइड, फ्रंट साइड, आगे का साइड से भी और ये पीछे का साइड से भी। और ये एक गियर के काउंटर शाफ्ट के गियर के साथ चलता है कॉन्टेक्ट होकर, और ये बिल्कुल आइडल फ्री घूमता है। तो इस तरह से इसे लॉक कर लेना है। और बाकी के जो ये पार्ट निकले हुए हैं पोजीशन बाहर, ये पोजीशन हाउजिंग के साइज में जाकर बैठता है। तो इस तरह से ये टाइट जाता है हाउजिंग के अंदर में, और ये पिछला पोजीशन भी टाइट ही जाता है। और उसके हाउजिंग में एक घाट बना होता है जो कि पूरी तरह से उसमें जाकर अपने उसके गैलरी में, हॉल में बैठ जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है कि जब हम न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं तो ये बिल्कुल इस पोजीशन पे इसका गियर रहता है, रिवर्स गियर, और जब हम गियर को रिवर्स गियर शिफ्ट करते हैं तो ये आगे की तरफ सरक कर आता है। और इसके ये तीत, ये दूसरे वाले गियर का तीत से इसका तीत मैच करके कॉन्टेक्ट हो जाता है इस तरह से, और ये रिवर्स गियर काम करना शुरू कर देता है। तो ये न्यूट्रल पोजीशन रिवर्स गियर का, और ये रिवर्स गियर। तो इस तरह से इसका गियर सिस्टम है। और ये पार्ट टू वीडियो था, नेक्स्ट पार्ट थ्री वीडियो में इसके सारे गियर का सेटिंग का पूरा कंप्लीट वीडियो जल्द ही मिलेगा, क्योंकि इस गियर जॉब का वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए थ्री पार्ट में वीडियो को डाइवर्ट करना पड़ा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो जल्द ही इसका पार्ट थ्री वीडियो भी मिलने वाला है, तो पार्ट थ्री वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लेना।